हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रस। जी हाँ मेरे दोस्त, और ये वीडियो जो है ना यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए है, यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए है। बाकी आप 12th के भी स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम में अगर रस से संबंधित प्रश्न आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, देखो इस वीडियो में हमने शामिल क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले तो रस में हम कौन कौन सा रस पढ़ेंगे, आप जानते हो कि रस कई प्रकार के होते हैं, हास्य रस, करुण रस, विवत्स रस, वीर रस, लेकिन सभी रसों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड के क्लास 10th में केवल हास्य और करुण रस दो ही रस से संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो केवल हम लोग इस वीडियो में हास्य रस और करुण रस पढ़ेंगे, क्लियर। और देखो इसमें मैंने सारे के सारे जितने भी 2023 में एमसीक्यूज आए थे सभी सेट्स में, यूपी बोर्ड के हिंदी के पेपर के सभी सेट्स में, आप जानते हो कि 7 सेट होता है, जैसे यूपी बोर्ड का, अदर बोर्ड का तो मैं नहीं बता सकता, अदर बोर्ड का भी शायद ऐसे ही होता है। जैसे यूपी बोर्ड में क्या होता है आप जानते होंगे कि हर साल, जैसे मान लो 2023 में हिंदी का पेपर हुआ था तो पूरे यूपी में 7 टाइप का पेपर आया होगा, मैथ का 7 टाइप का पेपर आया होगा, ऐसा नहीं कि एक ही पेपर था पूरे यूपी में, नहीं, 7 सेट्स होते हैं। 2024 में भी अगर हिंदी का पेपर बनेगा तो 7 सेट्स में डिवाइड रहेगा, मतलब पूरे यूपी में 7 प्रकार के पेपर रहेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 7ों सेट के, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे जो रस से संबंधित आया था उससे ले लिया है कि 7ों सेट में क्या क्या पूछा गया था, और साथ ही इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लाइंस ले ली है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी चलो शुरू करते हैं। और बोलूंगा चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हास्य रस पढ़ते हैं। देखो नाम से ही मालूम चल रहा है, हास्य यानी हंसी, यानी जिस रस में या जिस रस के कारण हंसी उत्पन्न हो वहां पे हास्य रस होगा, ऐसे भी आप सिंपल बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकली इसकी डिफिनीशन ऐसे मैंने जैसे लिखा है ऐसे लिखा जाता है, लेकिन चूंकि यूपी बोर्ड में तो अब इससे एमसीक्यू आ रहा है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहा है, तो पहले क्या होता था कि आता था आपको डिफिनीशन लिखने को, उदाहरण लिखने को, लेकिन अब तो नहीं आएगा, अब तो डिफिनीशन लिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एमसीक्यू आ रहा है ना। तो लेकिन आप ये डिफिनीशन याद रखना, आपको मान लो कोई लाइन दे देगी तो आपको छाटने में आसानी होगी। ठीक है, काफी आसान है। देखो हास्य रस, हास्य रस क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां पे क्या होता है, हास्य रस। यहाँ पे देखो क्या क्या बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, अनोखे रूप मीन्स जैसे अनोखे रूप, जैसे कोई मतलब कोई व्यक्ति है जोकर बन जाए तो उसका एक तरह से अनोखा रूप हो गया। ठीक है, या कोई व्यक्ति उसकी नाक ये पूरी तरह टेढ़ है, चपटी है, तो इससे देखकर आपको हंसी तो आएगी, बिल्कुल आएगी, हंसी आएगी। उसके बाद उसका आकार, आकार यानी कोई व्यक्ति नॉर्मली व्यक्ति 6-7 फुट का होता है, कोई 10 फुट का व्यक्ति हो जाए या पूरा छोटा ही हो जाए तो उसको भी देखकर आपको हंसी आती है। उसके बाद है वेशभूषा, यानी वही वेशभूषा, कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, वो महिला का कपड़ा पहनकर पूरा मार्केट घूमने लगे तो सब लोग देखकर हंसने ही लगेंगे। तो इन चीजों को देखकर जो आपके दिल में, आपके मन में, हृदय में जो विनोद यानी हंसी का भाव उत्पन्न होता है वहां पे हास्य रस होता है, सिंपल। और इसका स्थायी भाव आप लोग याद रखना, इसका स्थायी भाव क्या आता है, हास होता है यानी हंसी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हास्य रस। उदाहरण के तौर पे यहां मैंने लिखा है कि नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। इस लाइन में शिव जी की शादी का वर्णन किया गया कि शिव जी की जब शादी होने जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के मतलब लोगों को देखकर, जैसे भाई शिव जी को तो हम मानते हैं कि इनके मतलब जो साथ रहने वाले हैं लंगड़े लूले, उसके अलावा पशु, जानते हो नंदी उनका भाई सवारी है, तो सब मतलब सब लोग थे, तो उनको देखकर मतलब लोग हंस रहे थे, और उनके भाई विभिन्न प्रकार के भाई कपड़े पहनने वाले विभिन्न प्रकार के लोग, तो ऑब्वियसली कि उनको देखकर हंसी लोगों को आएगी, तो यहाँ पे उसी का उदाहरण यहाँ पे लिया गया है। तो आई होप आपको हास्य रस क्लियर हो गया होगा कि हास्य रस का मतलब क्या है, क्लियर। इसका स्थायी भाव आप याद रखना, हास होता है, हास। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग करुण रस थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पे चलेंगे। तो करुण रस क्या होता है, देखो यहाँ पे, अब देखो करुण मीन्स यहीं पे मालूम चल रहा है करुणा, जहां पे करुणा आए, शोक आए, दुख आए। तो देखो यहाँ पे परिभाषा कैसे लिखा गया इसका, कि किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख का
भाव उत्पन्न होता है वहां पे करुण रस होता है, और इसका करुण रस का स्थायी भाव करुणा यानी शोक होता है। इसका स्थायी भाव आप लोग याद रखना वो क्या होता है, शोक होता है। अब देखो यहाँ क्या बोलोगे, कि अपने किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, मान लो कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, आपका दोस्त है या कोई भी है, वो पीड़ित हो जाए यानी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाए या उसका एक हाथ कट जाए, तो वो उसको देखकर आपको दुख तो होगा ही। उसके बाद इष्ट वस्तु मीन्स उसका कोई अच्छी वस्तु नष्ट हो जाए, उसका हो जाए या आपका भी हो जाए, तो आपके मन में खुद दुख उत्पन्न होगा। वैभव, वैभव मीन्स वही उसका सम्मान आदि नष्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली है कि आपका फ्रेंड हो तो आपको भी उसका दुख होगा। तो यहाँ पे क्या, आपके हृदय में दुख का भाव उत्पन्न होगा, तो यहीं पे क्या आ जाएगा, करुण रस आ जाएगा। ठीक है, तो ये करुण रस हो गया। अब इसका उदाहरण मैंने देखो यहाँ पे ले लिया है, उदाहरण के तौर पे क्या लिया है कि शोक विकल सब रो वही रानी रूप शील बल तेज बखानी कर रही विलाप अनेक प्रकार पर ही भूमितल बारी ही बारा। ये राम जब वनवास जाते हैं तो उसका वर्णन है, और यहाँ पे देखो शोक आ गया। जहां जिस लाइन में शोक दुख आ जाए वहां पे एक तरह से समझ जाना, मतलब दुख की बात आ जाए कि वहां पे करुण रस होगा, और जिस लाइन में हंसी की बात आ जाए समझ जाना कि वहां पे हंसी रस होगा। ये पहचानने का नॉर्मल तरीका हो गया। चलो तो ये उदाहरण हो गया। अब चलो हम लोग ये तो आप समझ गए हंसी रस और करुण रस क्या होता है। हंसी रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, अब चलो हम लोग एमसीक्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2023 में यूपी बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी के सातों सेट्स में जो जो एमसीक्यू आए थे उनको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। देखो यहाँ पे छह सात कोड में से छह कोडों में तो यही पूछा गया था अस्थाई भाव। जैसे देखो आपका ये क्या हो गया, ये 2023 का 800 डीए वाला कोड हो गया। यहाँ मैं कलर बदल लेता हूँ, एक मिनट। देखो ये आपका डीए वाला कोड हो गया, ये डीएफ वाला कोड हो गया, ठीक है, और नीचे आपका ये क्या हो गया, ये आपका डीसी। इन तीन कोडों में देखो एक ही प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था, यहाँ पे देखो हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, यानी इन तीनों क्या डीए वाले में और डीएफ वाले में और ये आपका डीसी, इन तीनों कोडों में एक ही प्रश्न पूछा गया था हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास होगा सिंपल, चूंकि तीनों में ऑप्शन इधर उधर कर दिया था, ऑप्शन बदल दिया गया था, कुछ नया ऑप्शन एड कर दिया। जैसे इसमें रति है, हास है, निर्वेद है, विस्मय है, तो इसमें से हास ही सही होगा। इसमें भय है, विस्मय है, उत्साह है, हास है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। और इसमें हास रस का स्थायी भाव, ये हास बी वाला सही होगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन बदल दिया था, तीन कोडों में ये पूछा था, और तीन कोडों में करुण रस का पूछा था कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो ये डीजी वाला कोड है, ये डीबी वाला कोड है, और यहाँ पे नीचे एक कोड है डीई वाला। इन तीन कोडों में क्या पूछा था, करुण रस का स्थायी भाव। और 2024 में भी मैं लिख कर देता हूँ कि यही सेम टू सेम प्रश्न पूछेगा, अस्थायी भाव ही पूछेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, तो तीनों में आप खोज लो जहां पे शोक है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव करुण रस शोक होता है, तो यहाँ पे ये शोक, यहाँ पे ये शोक और यहाँ पे ये शोक सही हो जाएगा। ऑप्शन इधर उधर कर दे उससे मतलब नहीं है, हमें तो शोक पे ट्रिक करना है क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो ये छह हमने प्रश्न कर लिया, क्लियर। ये यूपी बोर्ड के 2023 में आए हुए थे, आप याद रखना, छह सेट्स में। और एक सातवां जो सेट था उसमें थोड़ा अलग प्रश्न पूछा गया था, जो डीडी वाला था। देखो यहाँ पे 801 डीडी वाला जो सेट था उसमें देखो ये एक लाइन दे दी गई थी, ये देखो यहाँ पे ये लाइन दी गई है, और इसमें पूछा था कि उपयुक्त पंक्तियों में रस है। तो ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई लाइन दे दे और उसमें पूछ देगा कि इसमें कौन सा रस है। जैसे इसमें लाइन दिया है कि नाना महान नाना वैसा, बेसे शिव समाज निज देखा, कौमुख बिन सॉरी कौमुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहू। तो इसमें तो मैं पहले ही बता दिया, जब हास्य रस पढ़ाया था तो उसमें ये उदाहरण मैंने अभी ले लिया था। तो सिंपल यहाँ हास्य रस पे आप ट्रिक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सातों सेट 2024 के बोर्ड एग्जाम में रस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था सातों सेट्स में, उनको भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। अब चलो हम लोग कुछ अन्य देख लेते हैं। भाई निश्चित तो नहीं है कि इन्हीं सातों में से आपके एग्जाम में पूछेगा, हाँ कुछ इसमें से आएगा जरूर, लेकिन सातों सेट्स का सातों सेट्स में यही थोड़े आएगा, कुछ नया भी आपके एग्जाम में ऐड करेगा 2024 में प्रश्न। तो उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट जो भी लाइन से जो भी मतलब करुण रस हास्य रस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उनको मैंने ले लिया है। तो चलो इनको भी करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर अभी तक हमारी एप्लीकेशन आप ये डाउनलोड नहीं किए हो, यूपीएमएसपी स्टडी, आप गूगल पे सर्च गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप सर्च करोगे तो ये हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी।
यूपीएमएसपी स्टडी, इसको सर्च करोगे तो आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको नोट्स, उसके अलावा जो भी मटेरियल है आपके स्टडी से रिलेटेड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर, अभी जो स्क्रीन पे ये रस वाला ये पीडीएफ देख रहे हो, ये भी वहीं पे सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कुछ अन्य हम लोग महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं हास्यरस और कौनरस के। सबसे पहला यहाँ पे देखो ये लाइन है, यहाँ पे देख सकते हो हंसी हंसी, यहीं पे हंसी हंसी शुरू में ही हंसी की बात आ गई, यहीं से आप पकड़ सकते हो इसमें हास्यरस होगा, ठीक है। बाकी पूरा लाइन पढ़ सकते हो, हंसी हंसी बाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जी आवे हिमाचल के उछाल में, सिर पर गंगा हसई भुजनी भुजंग हसई, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी यहाँ भी शिव के विवाह में, मतलब शिव के विवाह का ही वर्णन है इस लाइन में भी, ठीक है। तो इसमें देखो ये बड़ी लाइन, मतलब दोनों मिलाकर बहुत बड़ा लाइन हो जाएगा। तो इसमें दोनों लाइन को अलग अलग आपके एग्जाम में दे सकते हैं, जैसे हंसी हंसी से कर उछाल में ये एक लाइन देकर पूछ देगा कि इसमें कौन सा रस है, या फिर सिर पर गंगा हंसई यहाँ से और नंगा के विवाह में ये भी लाइन दे सकता है, और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से मतलब इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। तो इन दोनों पंक्तियों को ऐसे तो ये एक ही मतलब एक तरह से पोएम की पंक्तियां हैं, लेकिन इनको अलग अलग कर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो पूरा अच्छे से इसको आप लोग ध्यान में रखना है, इसमें कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, इसमें सेकंड वाला क्या है कि मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। यहाँ पे पढ़ने से ही मालूम चल रहा है यहाँ पे हंसी है भाई, यहाँ पे हास्य रस है, क्यों भाई, अपने आप को महावीर बता रहा है और बोल रहा है कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। भाई कागज को एक बच्चा मोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हास्य रस है सिंपल। तो ये हास्य रस का उदाहरण है, काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरी रघुवर बिरह राउ गयु सुर धाम। तो देखो यहाँ पे भी कौनरस है, यहाँ पे जो राम है ना वो वनवास जाते हैं, तो उनका ही मतलब बोल रहा है कि अब राम 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 कम राम कहिए, राम सुरधाम चले, ठीक है। तो ये उसी का वर्णन है, तो सिंपल यहाँ पे कौनरस है भाई। भाई कोई भी व्यक्ति, मान लो आपका प्रिय व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाए 14 वर्ष के लिए, वो भी इधर उधर, तो आपको दुख तो होगा ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करुणरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करुणरस हो जाएगा। चलो इस लाइन में भी, उसके बाद ये लाइन तो मैंने उदाहरण में ले ही लिया था, शोक विकल सब रो वही रानी, शोक विकल सब, यहाँ पे रोने की बात आ गई, तो यहाँ पे भाई करुणा, रोना मीन्स वही करुणा, यहाँ पे कौनरस की उत्पत्ति, तो ये कौनरस का उदाहरण हो जाएगा। शोक विकल सब रो हिरानी, रूप सिलवल तेज बकानी, कर ही बिलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमितल बार ही बारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, करुणरस हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये हम लोग का ये भी हो गया। पांचवा एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिया है, मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये लाइन कहां से ली गई है, तो देखो इस लाइन को मैं बताता हूं। जब श्रवण कुमार, उनके माता पिता जानते हो आप अंधे थे, अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार पानी भरने गए थे एक नदी के किनारे, और उसी समय वहां पे राजा दशरथ, राम के ही पिता राजा दशरथ, जब अपने मतलब जवानी में थे तो वो शिकार करने गए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जब पानी भर रहे थे मटके में, श्रवण कुमार पानी भर रहे थे, तो दशरथ जी को लगा कि वहां पे कोई जानवर जाकर पानी पी रहा है या मतलब उसमें नहा रहा है, तो उसको तीर से मार देते हैं, मीन्स वो जानवर समझ को श्रवण कुमार को ही मार देते हैं, और इस प्रकार श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। और तब क्या करते हैं कि उनके माता पिता उनके मृत्यु का समाचार सुनकर खूब रोते हैं, और वहीं पे बोलते हैं कि हे मतलब न्यायाधीश, हे जगदीश, मतलब भगवान को, कि हमारे साथ तूने ये कैसा न्याय किया कि हम मतलब अपने मरे हुए पुत्र को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो अंधे थे। तो वहीं पे दशरथ जी को वो श्रवण कुमार के माता पिता भी श्राप देते हैं कि जैसे हम यहाँ तड़प रहे हैं ना, उसी तरह तुम तड़प तड़प कर मरोगे एक दिन। तो वही दशरथ कुमार को वही श्राप लगता है, और राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं, तो उसी समय दशरथ
उनके शोक में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा कहानी इस दो लाइंस का। तो चूंकि मतलब दो लाइंस के कारण जो मैंने कहानी बताई, इसका लाइन का मतलब नहीं है, लाइन का मतलब ये है कि मड़े मड़ी खोजे भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पे मतलब जैसे किसी एक तरह से बोल सकते किसी की मड़ी खो जाए उस तरह से, या किसी का कोई कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज खो जाए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जैसे वह उसको मतलब पूरा मतलब नहीं खोजता है, पूरा जो जान जी लगाकर उसको खोजने में लग जाता है। तो ऐसे भी यहाँ बोला कि मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। मतलब उनका लड़का मर जाता है तो वही भगवान को दोष देते हुए कहती हैं कि हे जगदीश, क्या तुमने मेरे साथ न्याय किया। और यहाँ पे इसका अर्थ कही मड़ी खोए भुजंग सी जननी, मतलब जैसे एक इच्छाधारी नाक का मड़ी खो जाता है तो वह मतलब पूरा उसको बेचैनी के साथ खोजता है और अपने फन को इधर उधर पटकता है, उसी प्रकार मतलब ये व्याकुल हो जाते हैं इनके माता पिता यानी श्रवण कुमार को मरे हुए समाचार को जानकर। सिंपल यही मतलब है। तो यहाँ पे करुण रस आपका हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है कि तात तात, हाँ तात पुकारी, 6 नंबर पे आ गई यार, गजब। चलो चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत। तात तात, हाँ तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी, चलन देखन पाही तुही, तातन राम ही सौंपे हूं मोही। तो देखो यहाँ पे शत्रुधन की बात की जा रही है। शत्रुधन और चार भाई थे ना, राम लक्ष्मण शत्रुधन और एक और थे यार भरत। तो यहाँ भरत और शत्रुधन जब गए होते हैं दूसरे जगह, जब आते हैं और अपने माताओं द्वारा अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो खूब मतलब गिर गिर कर भूमि पे रोते हैं। तो उसी का यहाँ पे कवि ने यहाँ पे लाइंस लिखा है कि तात तात, हाँ तात पुकारी, मतलब तात यानी वही पिता, पिता पुकार पुकार कर परे भूमि तल व्याकुल भारी, मतलब बार बार रोते हुए बार बार वो भूमि पर गिर जाते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु का समाचार सुनकर चरल न देखन पाहूं तो ही, तात न राम ही सौंपे हूं मोही। तो वही लाइन ली गई है। तो सिंपल यहाँ भी वो क्या हो जाएगा, करुण रस आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोने की बात आ रही है, करुणा की बात आ रही है, तो करुण रस सिंपल। ठीक, अब चलो यहाँ पे 7वां प्रश्न हो गया। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी एक प्रश्न बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है, ये लाइन दे देगी और बोल देगा इस इन पंक्तियों में कौन सा रस है, या ये भी पूछ सकता है कि इन उपयुक्त पंक्ति के लिए अस्थाई भाव क्या होगा। जैसे ये लाइन दे दे आपके एग्जाम में, एक मिनट देखो मैं अलग से एग्जाम थोड़ा एग्जामिनर मतलब पेपर बनाने वाला थोड़ा दिमाग लगाए, तो ये लाइन दे दे और लाइन देकर नीचे लिख दे कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा किस रस का स्थाई भाव है, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। किस रस का स्थाई भाव है, तो भाई कौन रस का स्थाई भाव है या फिर कौन अस्थाई भाव है। तो यहाँ शोक अस्थाई भाव क्या है, शोक है, क्योंकि इन पंक्तियों में कौन रस है, कौन रस का स्थाई भाव शोक होता है। तो ऐसे मतलब उल्टे सीधे प्रश्न बनाया जा सकता है, लेकिन इतना अंदर डीप नहीं जाएंगे मैं जानता हूं, क्योंकि क्लास 10th है ना। तो सिंपल ये लाइन दे देंगे और उसमें पूछ देगा इसमें कौन सा रस है। ठीक, चलो ये 6 के बाद हम लोग 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्या है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। ये तो आपने ये सुना होगा, बुरे समय को देखकर गंजे क्यों तू रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। मतलब गंजे व्यक्ति को कभी हास्य के रूप में प्रकट करता है अपने काव्य में और बोलता है कि अरे गंजे, मतलब जिसका गंजा है, जिसका बाल नहीं उग सकता, उसको कह रहा है कि तू मतलब क्यों दुखी है, बुरे समय को देखकर तू क्यों दुखी है, क्योंकि बुरे समय में भी तेरा तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा तो बाल ही नहीं है। मतलब ये हास्यास्पद एक तरह से ये लाइन से, ठीक है, नहीं बोल देते हैं कि मतलब गुस्से में हम किसी को नहीं बोलते हैं कि मेरा बाल भी बाका तू नहीं कर सकता। अगर उस समय उसका उस व्यक्ति का बाल ही नहीं हो, मान लो कब छिल्लू पूरा बाल छिलवाया हो और वो किसी से झगड़ा हो गया, तो अरे जा, ऐसे हम लोग बोल देंगे अरे जा तू मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। और उस समय वो कब छिल्लू हो तो सामने वाले को तो तुमने ऑफर दे दिया रिगाने के लिए,
वो बोल देगा अरे तेरा बाल ही नहीं है तो क्या मैं उखाड़ू, समझ रहे हो बात को ना, हीलिंग समझो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हास्यरस हो जाएगा। ठीक, चलो ये सातवा हो गया। उसके बाद हम लोग आठवा और ये अंतिम हम लोग देख लेते हैं। अब तक तो आप लगभग ये सारे के सारे आठ काफी इंपॉर्टेंट थे, अब तक आप समझ भी हो गए होंगे कि कैसे आपको हास्य रस या करुण रस छाटना है। जिसमें हंसी आ जाए, हंसी का भाव, वहां पे हास्य रस हो जाएगा, और जहां दुख का भाव हो जाए वहां पे करुण रस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है इस उदाहरण में, कि बिना जुर्म का पीटेगा, बिना जुर्म का पीटेगा, समझाया था तोए, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोए। तो यहाँ पे भी क्या है, हास्य रस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुलिस पे जो लेखक हैं वो पुलिस पे व्यंग स्थापित करते हुए बोलते हैं कि पुलिस से कभी पंगा नहीं लेने का, नहीं तो अगर तेरा जुर्म भी ना हो तो तू पीटेगा तू ही पीटेगा, पुलिस को कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पुलिस पे व्यंग कर रहे हैं कवि, क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा इस वीडियो में, हास्य रस, करुण रस, और 2023 में हिंदी के सेट्स में जितने भी सारे सेट्सों में रस से संबंधित प्रश्न पूछे थे उनको सॉल्व किया, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने ये एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व किया। इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको आइडिया लग गया होगा पूरा का पूरा कि हमको कैसे, अगर आ जाए एग्जाम में, तो हास्य और करुण रस डिफाइन करना कि किसमें हास्य रस है और किसमें करुण रस है। बाकी मैं इसकी सियोरिटी दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम में जो अब तक ये अभी मैंने पढ़ाया इस वीडियो में, इसी से सेम टू सेम क्वेश्चन देखना फंसेगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर नहीं फंसेगा। अगर मान लो किसी का क्वेश्चन मान लो फंस ही जाता है, तो अब तक तो आप इतना पढ़ लिए होगे, इतना आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे छाटना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ ये छोटी सी आपको मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। बाकी इस वीडियो के बाद हम लोग देखते हैं, अलंकार की भी सीरीज लाऊंगा, छंद भी लाऊंगा, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे। बाकी ये लड़के ने कल कोई कमेंट किया था तो मैं ये बना दिया वीडियो। चलो, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।